हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बेसिकली इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन जो है वो ईयर वाइज नहीं होंगे। कभी आप सोचें कि 19 है, फिर 20 है, फिर 21, फिर इस तरीके से सीक्वेंस मिलेगा। हमने जो सीक्वेंस रखा है वो क्वेश्चंस के टाइप्स के बेसिस पे रखा है, यानी कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले मिलेंगे, जिससे आप एक दो क्वेश्चंस पे कंसेप्ट को डेवलप करें और ख़ुद उसे अप्लाई करके देखें कि हम कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। हमारा पर्पस यही है कि आप खुद से भी कुछ बना पाएँ। सारे आंसर हम करके दे दें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है यहाँ पर कंसेप्ट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ, तो देखिए Al+3 से Al में जा रहा है, Ag+ से Ag में जा रहा है, यानी कि सभी क्या कर रहे हैं, गेन। और गेन करना मतलब कौन सा पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो सबसे पहले हम इनके पोटेंशियल्स लिख लेते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल्स हमें गिवन है। तो Al+3 से Al ये हमें दिया है, फिर हमें सेकंड दिया है Ag+ से Ag, K+ से K। तो पहले क्वेश्चंस में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सुन लो, फिर आप लोग वीडियो पॉज करके बाकी जो आगे के क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ एकदम डेफिनेटली बना पाओगे। 1.66 वोल्ट और 0.80 माइनस वगैरह का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये मैंने सारे पोटेंशियल लिख लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग पावर पे। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और रिड्यूसिंग पावर कम होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम। तो हाई पोटेंशियल जिसका होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो सबसे अच्छी रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जिसका पोटेंशियल सबसे कम है। तो देखो ज़रा किसका पोटेंशियल सबसे कम आ रहा है, तो सबसे कम पोटेंशियल आ रहा है के का, माइनस में है ना। तो K+ की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, इसे पूरा लिखें, इतना लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो K आएगा सबसे पहले, उसके बाद उससे कम किसकी है, एल्यूमिनियम की, तो ये Al आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका क्रोमियम और सबसे लास्ट में आएगा Ag। इज दैट क्लियर। तो क्या कंसेप्ट है, इसका पोटेंशियल हाई है तो इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, इसका पोटेंशियल लो है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, हाई है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे, आंसर देखो देखो, KAlCrAg, KAlCrAg, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके डन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, उसको हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, Zn+Ag2O+H2O गिव्स, ठीक है ये एरो का निशान है, Ag+Zn+2+2OH-। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Ag2O में अगर आप Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो बच्चों वो आएगी +1, और यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन है 0, तो +1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो बेसिकली इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन दी है। अब इफ़ हाफ सेल पोटेंशियल आर, तो हमें नीचे पोटेंशियल दिए। देखो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ ना हो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे ना, तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया है हमें, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। कौन सा पोटेंशियल दिया है, तो ये इक्वेशन बस आपको ये समझा रही है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पर Ag अगेन पॉजिटिव से किस में जा रहा है, 0 में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये पोटेंशियल भी कौन सा दिया है हमें, हमें दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, और होना भी चाहिए, हमें यही तो कहते हैं ना हम। तो हमें क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल विल बी,
तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन और एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, राइट। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ZN से ZN2 पॉजिटिव का, है ना, और रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag2O वाले पार्ट का। तो Ag2O वाले के लिए पोटेंशियल कितना है, 0.34। तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, उसके लिए पोटेंशियल कितना दिया है, 0.76। तो बस अब क्या है, ऐड कर दीजिए इसे, तो 6 और 4 10 7 3 10 11, तो 1.1 वोल्ट, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो पोटेंशियल देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन आपको एग्जैक्ट दी है ऊपर, तो ZN से ZN2 पॉजिटिव रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन देखते ही तुम लोग समझ गए कि सर ये तो हो गया हमारा कैथोड और दूसरा वाला हो गया आपका एनोड, बस हो गई कहानी ख़त्म। ये किस तरीके का है, ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है हमें, ये इक्वेशन ही बता रही है कि दोनों में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, और यही हम चाहते थे, ठीक है। तो कैथोड पे होता है आर सी से, इसे आप याद रख सकते हैं, आर का मतलब है रेमेडियल और सी का मतलब है बच्चों केमिस्ट्री, यानी कि रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो इससे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 1.1 वोल्ट वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो भाई, अभी सिखाया था हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, यस पोटेंशियल हाई होना चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पोटेंशियल हाई होना चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट होना है तो पोटेंशियल लो। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, देखो F2 का, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो आपका आयोडीन वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, समझ गए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स। तो मैंने कहा है जब भी ये वैल्यूज दी होती हैं तो पहले इनको लिख लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये कि एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साइन वगैरह सब एक साथ आते हैं तो कन्फ्यूज कर देते हैं। कैसा ऑर्डर लगाना है, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या करोगे, अगर पोटेंशियल हाई होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होती है, पोटेंशियल लो होता है तो रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है। तो सबसे अच्छी रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जेड की, उसके बाद एक्स की, फिर लास्ट में कौन आता है, वाई। तो जेड एक्स वाई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जेड एक्स वाई, क्लियर है, आगे चलें, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 पॉजिटिव। तो SN4 पॉजिटिव से SN में कन्वर्ट हुआ है SN2 पॉजिटिव में बाय एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, 1.5 वोल्ट है, और कॉपर प्लस थ्री से कॉपर सॉरी क्रोमियम प्लस थ्री से क्रोमियम में कन्वर्ट हुआ है, पोटेंशियल है 0.74, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। These two couples are there in their standard state, are connected to make a cell, the cell potential will be. तो standard cell में state में cell potential यही होता है, cathode minus anode. अब values से कैसे पहचानते हो, अब यार देखो ये जो potential दिए हैं, कौन से potential दिए हैं, reduction, ये भी reduction potential है, तो किसका reduction potential ज़्यादा है, इसका, तो इसका होगा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ऐसे पहचानते हैं। जिसकी वैल्यू हाई होगी उसका होगा रिडक्शन, जिसकी वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर है। तो हाई वैल्यू वाले का रिडक्शन, और रिडक्शन मैंने बताया था कैथोड पे होता है, तो 0.5 माइनस माइनस ऑफ 0.74,
तो बेसिकली एट द एंड ये ऐड ही हो जाने हैं। ठीक है, तो 9 और ये 8 और ये 0.89 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। कंसेप्ट क्लियर है? तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हाई होगा उसका रिडक्शन होगा, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा, रिडक्शन का मतलब है कैथोड, RC, रिडक्शन कैथोड, और ऑक्सीडेशन एनोड, OA करके बोलते हैं इसे, हम OA करके याद रखते हैं, ऑक्सीडेशन एनोड। तो ऑप्शन 0.89, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, तो एक टाइप के क्वेश्चंस में इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग देखो खुद बना लोगे, तो अब कंसेप्ट डेवलप हो गए होंगे, तो ट्राई करना चाहिए तुम्हें खुद भी। अ सोल्यूशन कंटेन Fe2 पॉजिटिव, Fe+3 एंड I नेगेटिव आयंस, दिस सोल्यूशन वॉज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इतनी चीज़ों का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास Fe+2 भी है, +3 भी है, I नेगेटिव है, आयोडीन के सोल्यूशन में उसे रखा जाता है, तो क्या होगा बोल रहा है। तो सबसे पहले इनके पोटेंशियल लिख लेते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। I2 से 2I नेगेटिव, तो दोनों ही पोटेंशियल कौन से दिए हैं, रिडक्शन, यानी कि दोनों में ही गेन हो रहा है, ये +2 है। तो किसकी वैल्यू हाई है, वैल्यू किसकी हाई है, इसकी वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब इसका एक्चुअल में रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि इन रियलिटी भी ऐसा ही होगा कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, Fe+2, ध्यान देंगे +2 है इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो जो 2I नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज होंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेंगे और क्या बनाएंगे, I2 और +2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज़ योर फाइनल रिएक्शन। अब यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसका क्या होगा, यहाँ से आंसर हमारा आ गया था, तो I2 विल बी रिड्यूस, नो, देयर विल बी नो रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन तो होगी, I will be oxidized to I2, तो I negative का क्या होगा, oxidation होगा। So C is the final answer. Next, ये statement का question है, ठीक है, अगर आपके basics थोड़े से सही हैं तो आप लोग ये formula जानते होंगे। E-node cell जो आता है ना, cathode minus anode, cathode minus anode से पहले actual में जो cell design होता है उसका formula क्या होता है, oxidation potential plus रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको सेल का डिज़ाइन याद होगा, जो हम सेल बनाते हैं इस तरीके से, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं फिर इसमें, तो एक साइड हो रहा होता है ऑक्सीडेशन और एक साइड होता है रिडक्शन। तो ये वाले बीकर का पोटेंशियल कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को ऐड करने से ही तो क्या आता है, हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया बच्चों लिखने का, एक तरीका तो यह है इस फॉर्मूले को लिखने का। दूसरा, सर हम तो सारे पोटेंशियल रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो लिख लो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है तो बस क्या करना होगा, इसे आपने माइनस करके रिवर्स करना होगा। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल तो ठीक ही लिखा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रिडक्शन था, तो ये था आपका बच्चों कैथोड, और ये क्या था आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा था इस पर, तो ये था एनोड। तो यही मैंने किया है, देखो ये कैथोड रहा और ये एनोड रहा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि सर हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सारी दुनिया लिखती है रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, हम तो कुछ नया करेंगे, हम सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब पहला वाला जो फॉर्मूला है, तुम उसमें रिडक्शन पोटेंशियल को भी किसके फॉर्म में लिखना चाहते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो एक तरीका ये हो सकता है, बस यही हो सकते हैं। अब ऑप्शन देख लो, तो पहले में क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ये एनोड है पहला वाला, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज किया हुआ हमने, एनोड को ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो देखो क्या क्या आंसर आ रहे हैं फिर इसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं होना चाहिए, ये भी ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए फिर, पहला ऑप्शन तो नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। तो सेकंड किस किस में आपको दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, सेकंड आपको दिखाई दे रहा है बी और डी में। पहला तो तुमने वैसे ही गलत कर दिया, तो ऑप्शन डी हो गया। अब इसका फोर्थ मैच करा देता हूँ मैं आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये आ गया, तो ये रहेगा। समझ रहे हो? बस आपको ना इसमें चेंज करनी आनी चाहिए चीज़ें, सब याद नहीं करनी होती हैं आपको, एक दो क्वेश्चंस पे ही इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप उन्हें आराम से चेंज कर सको, आपको कोई दिक्कत ही ना आए। कोई बोले ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आप सब में चेंज कर लो उसको, कैसे क्वेश्चंस बना लिए जाए फिर आप लोग बना पाओगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, तो क्वेश्चन नंबर 8th हमसे कह रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी बनाओ। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हाई पोटेंशियल होना चाहिए, राइट? हाई पोटेंशियल, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो इक्वेशन हमें दिए कुछ इस तरीके से कि FeCN का होल 6 4 नेगेटिव गिव्स FeCN होल 6 3 नेगेटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी दी है बच्चों हमें? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी है। तो ये पोटेंशियल भी कौन सा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि हमें तो क्या चाहिए होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होते हैं, तो अभी ठीक कर लेंगे हम इसे। दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही दी है, Fe2 पॉजिटिव से Fe+3 बन रहा है बाई लूसिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये पोटेंशियल भी हमें कौन सा दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हम तो कभी इंटरेस्टेड रहते ही नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो हम इन सबको चेंज कर देंगे, हम इनको रिवर्स कर देंगे। तो इसको रिवर्स करोगे यानी कि आप लिखना चाहते हो अब Fe+3 से Fe, तो उसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 0.74 वोल्ट। और ऊपर वाले में भी इसको रिवर्स कर लो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.35 वोल्ट। अब मुझे बताओ कि किसका एक्चुअल में रिडक्शन होगा? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हाई है, तो सर इसका रियल में रिडक्शन ही होना चाहिए, इसका होना चाहिए रिडक्शन, ठीक है? और ऊपर वाले का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, यानी कि सर ऊपर वाली रिएक्शन बिल्कुल सही लिखी है, नीचे वाली रिएक्शन को रिवर्स होना चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो ठीक लगी है, नीचे वाला क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हाई वैल्यू किसकी है? Fe की है, तो Fe+3 इज़ द राइट आंसर। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ इस चीज़ को, समझ गए? बहुत बेसिक तरीके से चलना है, शुरू में बहुत जल्दी नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार एग्जाम में हम इतनी चीज़ें चेंज करते रहेंगे क्या बार बार, एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपके आंसर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी आ जाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल से भी आ जाएंगे, फिर तुम डिमांड ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी थियोरी को चेंज करते हुए चले जाओगे। हर बार एक जैसा अप्रोच नहीं करना पड़ेगा आपको, और यही डिसाइड करेगा आपके मार्क्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं किसके कम आ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ के गया होगा कॉन्सेप्ट आंसर दोनों निकालेंगे लोग, दोनों लोग आंसर निकालेंगे, बस ये है कि जिसने प्रैक्टिस क्लास में कर ली है वो वहाँ जल्दी कर जाएगा। अब हमेशा बिल्कुल एक ही तरीके से करते रहोगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा टाइम वहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी लगा दो, तो यही चीज़ें रैंक डिसाइड करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं छपा है तो इसकी शायद ज़रूरत भी ना पड़े हमें। तो अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन शोन बिलो, ए से ए पॉजिटिव बनता है, ये एक्स कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, बी पॉजिटिव से बी बनता है, वाई कॉन्सेंट्रेशन है, द ई एम एफ मेजर्ड इज 0.20 वोल्ट, द सेल रिएक्शन इज, सेल रिएक्शन क्या होगी? यार देखो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कि लेफ्ट वाला क्या होता है? एनोड, और राइट वाला कैथोड। तो ए से ए पॉजिटिव बन रहा है ना, तो देखो ए से ए पॉजिटिव बन रहा है, हो रहा है ऑक्सीडेशन, बी पॉजिटिव से क्या बन रहा है? बी, तो बी पॉजिटिव से बी तो इसमें बन ही रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है, ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कहाँ गया? अच्छा चलो 10th अभी देख लेंगे, आगे चला गया शायद।
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर Fe2 पॉजिटिव से Fe ये दिया है आपको, तो अगेन हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हैं जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, -0.44 वोल्ट। और दूसरा दिया है Fe+3 से Fe+2, ये भी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 0.77 वोल्ट। अब ये क्या कह रहा है कि Fe2 पॉजिटिव, Fe+3 एंड Fe ब्लॉक्स आर कैप्ड टुगेदर, तो हमारे पास Fe+2 भी रखा है, Fe+3 भी रखा है और Fe भी रखा है, तो इनमें से क्या होगा, Fe+3 इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज होगा, या दोनों को कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, या Fe2+ इंक्रीज होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला काम, दोनों के पोटेंशियल रिडक्शन है, तो रियल में रिडक्शन किसका होगा, जिसकी वैल्यू हाई है, तो ये रिडक्शन है। और ये क्या है, इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, तो करो फिर इसका रिडक्शन करो, तो इसका रिडक्शन करोगे तो Fe+3 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, Fe+2 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करो, तो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, लॉस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, तो Fe से क्या बनाना पड़ेगा, Fe2+। 2+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, तो बैलेंस कर लेंगे इसको। अब सेल रिएक्शन लिखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास बचा 2 Fe+3 Fe3+, ये 2 Fe ये हैं और एक Fe2+ ये भी है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब देखो ऑप्शन को देखो, बेसिकली हो क्या रहा है, Fe2+ जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है और Fe+3 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, Fe भी डिक्रीज हो रहा है। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखो, क्या Fe+3 इंक्रीज़ हो रहा है, नो सर वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्या Fe+3 डिक्रीज़ हो रहा है, यस सर वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्या इनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है सर, Fe2+ डिक्रीज़ हो रहा है, नहीं Fe2+ तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस आर, तो देखो Zn से Zn2+, अगेन कौन से पोटेंशियल दिए हैं तुम्हें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, नीचे वाला भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम तो इंटरेस्टेड होते हैं कौन से पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो अब मेरे पास आ गए हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल, कौन से पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब तुम में से कोई सवाल पूछेगा सर ऑक्सीडेशन के बेसिस पे भी तो सॉल्व कर सकते हो, अरे कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कंसेप्ट पकड़ लिया है तो वैसे कर लो, तो मैंने चेंज कर दिया, अब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आ गए, वैल्यू किसकी हाई है, इसकी वैल्यू हाई है, तो सर रियल में इसका रिडक्शन होगा और ऊपर वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो नीचे वाले का रिडक्शन होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो इक्वेशन में भी Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आयरन का, यानी कि चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.44 माइनस ऑफ -0.76, तो -0.44 + 0.76, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो और ये 3 और ये 0.32, तो +0.32, दिस इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, आपके जहन में आना चाहिए सही से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज प्लेटिनम H2, प्रेशर दिया है, HCl है, कॉन्सेंट्रेशन दी है, फिर CH3COH है, ये दिया है,
बेसिकली एच टू से एच पॉजिटिव बन रहा है, और एक सी एस थ्री सी ओ एच के साथ कन्वर्जन दिया है। अभी बोल रहा है द ई एम एफ ऑफ दिस सेल विल नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा है बोल रहा है। देखो ज़ीरो इसलिए बोल रहा था, आना चाहिए था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अगर आप नर्स्ट इक्वेशन लगाते हो तो वहाँ पे जब आप रखते हो फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम दी है 0.1 और 0.1। अब तुम अगर इक्वेशंस बना के लिखोगे तो बैलेंसिंग की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करोगे लॉग वन क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न छुपा हुआ है कि एच सी एल जो है एक वीक एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जबकि सी एच थ्री सी ओ एच एक वीक एसिड है। तो आयंस तो यही होंगे, एक आयन ये मिल रहा होगा हमें और ये मिल रहा होगा। तो हो क्या रहा है ना, देखो ऊपर वाले से HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0 है। पूरा HCl ख़त्म हो जाएगा तो वो कितने आयंस बनाएगा, H पॉजिटिव के 0.1 और Cl के भी 0.1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0.1 है, ये इनिशियली 0 है, लेकिन ये 0.1 में से पूरा ख़त्म नहीं होगा। मान लेते हैं कितना ख़त्म हुआ, X, तो जितना ख़त्म हुआ उतना ही यहाँ बनेगा। तो देखो देखो ज़रा कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा पीछे नहीं जाना है उसके। अब कॉन्सेंट्रेशन का रिश्ता किससे होता है, पीएच से। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कि इन दोनों की पीएच वैल्यू सेम नहीं है। पीएच सेम नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है तो नर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, बस एक क्वेश्चन और रहेगा इसके बाद। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, तो फिर से हम वैल्यू लिखेंगे पहले सबकी। अब तुम्हें इसको वीडियो को पॉज करके तुम्हें खुद बनाना चाहिए, अभी कितने क्वेश्चंस करा दिए मैंने इस कॉन्सेप्ट पे। खिचड़ी बन रही है दिमाग में, बनाओ उसे और खाओ उसे, ठीक है, बननी चाहिए वो। जितनी खिचड़ी बनानी है यहीं बना लो, एग्जाम में कुछ बढ़िया डिश बनाना जो तुम्हारी फेवरेट हो, ठीक है। तो ये चार वैल्यूज हैं, चारों नेगेटिव में है। विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए पोटेंशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, इसका, समझ रहे हो ना, माइनस भी तो है ना यहाँ पर, तो इसको मत लगा देगा। तो मैग्नीशियम इज़ द करेक्ट आंसर, तो चुटकियों में तुम इसका आंसर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा छूट गया था उसको देख लेते हैं। तो इनका कहना ये है कि एफ ई टू पॉजिटिव से एफ ई जब बनता है तो उसके लिए पोटेंशियल ये है, एफ ई प्लस थ्री से प्लस टू बनता है तो पोटेंशियल ये है। तो बताओ किसकी वैल्यू हाई है, तो सर इसकी वैल्यू हाई है यानी कि इसका जेन्युइनली रिडक्शन हो रहा होगा, और इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है हमारा कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारा एनोड। बस कैथोड माइनस एनोड कर लो, 0.771 माइनस माइनस ऑफ 0.441, बस ऐड करके जल्दी से आंसर निकाल लो इसका, क्या दिक्कत है इसमें। अब इतने कामचोर मत बनो ज़रा, ऐड कर लो इसको। तो 1, 1, 2, 11, 12, तो 1.212, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके किस कॉन्सेप्ट पे थे, कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ई नॉट सेल कैसे निकाला जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर पे हमने काफ़ी फोकस किया है,
ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे होगा वो लेक्चर, नस्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो नस्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चंस आपको सीखने हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप आगे जाके नीट वगैरह के क्वेश्चंस उससे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।